दोस्तों आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की डॉग ब्रीड परचेज करने के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है, अलग अलग चैनल सर्च करने पड़ते हैं और जहाँ पर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी मिलती है वहाँ पर प्राइस काफी ज्यादा होता है, जहाँ पर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर आप लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डॉग ब्रीड और वो भी रीजनेबल प्राइस में परचेज करना चाहते हो तो भाई आप लोग बिल्कुल परफेक्ट वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को एक से एक डॉग ब्रीड मिल जाएंगी और वो भी बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी डॉग ब्रीड लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही फेमस तो है ही, साथ ही साथ एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड भी है, जो है रॉटवाइलर। तो काफी लोगों को लगता है कि रॉटवाइलर एक बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं और ये काफी अग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन काफी लोगों का भाई ये भी मानना है कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए रॉटवाइलर बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है। तो अगर आप लोगों के मन में भी ऐसी कोई कंफ्यूजन है तो ये सभी कंफ्यूजन मैं आप लोगों की आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स फर्स्टली तो आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में जो ये पपीज हैं ये सिर्फ फीमेल से अवेलेबल है, मेल ऑलरेडी सेल हो चुके हैं और ये केसीआर रजिस्टर्ड है। जी हाँ गाइस, प्योरिटी की श्योरिटी तो आप लोगों को यहाँ पर मिली रही है एंड पेपर्स के साथ आप लोगों को माइक्रोचिप भी मिल जाएगी। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि माइक्रोचिप क्या होती है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें डॉग्स का सारा डाटा होता है, इनके फादर, ग्रैंडफादर और उनके भी फादर, तो इनकी ब्लड लाइन की सारी इन्फॉर्मेशन इनकी माइक्रोचिप में होती है। तो जब आप लोग अपने डॉग्स को डॉग शोज में लेके जाओगे तो वहाँ पर वो स्कैन करके सारा डाटा चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पपीज जो है ये एक्सेलेंट क्वालिटी में एंड काफी एक्टिव भी है एंड उन्होंने इनकी सभी वैक्सीनेशन भी कम्प्लीट करा रखे हैं एंड कार्ड वगैरह भी साथ में मिल जाएगा, तो भाई डॉक्टर्स वगैरह के चक्कर आप लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे। तो फिर अब बात आती है कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए रॉटवाइलर कैसी डॉग ब्रीड है। तो देखो भाई, अगर आप लोग रॉटवाइलर को परचेज करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को इन डॉग्स को अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन करने के साथ साथ इन्हें अपना टाइम भी देना होगा, ताकि आपके अच्छे कंपेनियन डॉग बन सके और आप लोग इन्हें बता सको कि क्या इनके लिए सही है और क्या गलत। एंड अगर आप लोग इन्हें अपना टाइम दोगे तो आप लोग काफी अच्छे से इनके एग्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड दोस्तों मजा तो आप लोग को अब आने वाला है जब आप लोग इनके पेरेंट्स को देखोगे। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में। भाई आप लोग डॉग की क्वालिटी देखिए यार, डॉग कितना हैवी है और आप लोग इसका मजल और हेड साइज देखिए यार, लाजवाब है। एंड मदर की क्वालिटी भी भाई बहुत ही शानदार है। तो क्वालिटी को लेकर अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप लोग क्लियर कर सकते हो ओनर से कॉन्टेक्ट करके। बाकी मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स की क्वालिटी देखने के बाद आप लोगों को कुछ भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 80 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है नासिक महाराष्ट्र से। एंड दोस्तों डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ओनर जो है वो आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग डायरेक्ट ओनर के पास जाकर भी इन पपीज को परचेज कर सकते हो। एंड फाइनली अगर इन पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो यार ओनर जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो 20,000 पीस यानी 20,000 रुपए, बट मेक श्योर पपीज जो है ये केस रजिस्टर्ड है एंड काफी अच्छी ब्लड लाइन से है। बाकी प्राइस जो है ये नेगोशिएबल है, इसमें आप लोगों को और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो के साथ साथ आप लोगों को पपीज की क्वालिटी और प्राइस भी पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।